हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब लोग? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं आया हूँ मागदेबुर्ग, और रात का सफ़र था इसलिए मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मैं थका हुआ भी था, नींद भी काफ़ी आ रही थी और अंधेरा भी बहुत था। तो मैंने कहा अंधेरा इतना तो वीडियो बना के क्या करूँगा, आपको नज़र तो कुछ आएगा नहीं। लेकिन जैसे मैं मागदेबुर्ग पहुंचा हूँ, एक तो सर्दी इतनी थी, ऊपर से लाइटिंग वगैरह देखने मेरी आंखें खुल गई हैं क्योंकि न्यू ईयर आ रहा है, क्रिसमस आ रहा है, तो काफ़ी लाइटिंग शुरू हो जाती है मागदेबुर्ग में। और मैं क्यों आया हूँ मागदेबुर्ग, मेरे वीज़े का एक काम था, एक दोस्त का कन्वोकेशन भी था, ग्रेजुएशन सेरेमनी, उसने मुझे इन्वाइट किया था, उसके लिए आया हूँ। और स्नान का जो ना थीसिस का डिफेंस भी था, मतलब जो उसने थीसिस पे काम किया है ना, मतलब प्रेजेंटेशन आपको दिखानी पड़ती है 7 से 8 स्लाइड्स की, और फिर आप उसको अपने थीसिस को डिफेंड करते हो, तो ये सारा काफ़ी मुश्किल काम होने वाला है। और आज ही है वो दिन, कुछ क्लिप्स दिखाऊंगा आपको ताकि आपको अंदाजा हो जाए कितना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स भी होते हैं और आप समझ सकते हैं क्वेश्चन आंसर्स के वक्त तो हालत खराब हो जाती है। सो टाइम ही ज़ाया करते हुए आपको मैं लेके चलता हूँ अंदर। सो लेट्स गो। ऑन द राइट हैंड साइड यू कैन सी द इक्विपमेंट दैट इज यूज्ड कॉमनली all over the world for dust experiments and also in our university. It is known as 20 liter civic sphere. Thank you. सर स्नान को उन्होंने फिलहाल वेटिंग रूम में भेज दिया क्योंकि वो आई थिंक ग्रेड डिसाइड करेंगे कैसे रिप्रेजेंटेशन क्वेश्चंस काफी कुछ दो प्रोफेसर से क्वेश्चंस भी खूब चल रहे थे। मैंने एक टॉपिक जो है ना वो लिटरेचर भी उसे पढ़ा ही नहीं था बिल्कुल, उसी वो इस मैं कहता हूँ कोई ना कोई आपको आंसर जरूर देना चाहिए, अगर आप चुप रह गए ना तो आप गए। लेकिन अब देखते हैं गाइस, टू फिंगर्स क्रॉस कि क्या रिजल्ट आता है, कितना ग्रेड मिलता है। सो फाइनली गाइस हम निकल चुके हैं अपार्टमेंट से बाहर, और आप व्यू देख सकते हैं, मौसम देखें, बादल अभी सिर्फ 4 बज रहे हैं और आप देखें आसमान कैसा हुआ है, बादल ही बादल। ये सर्दियों में ऐसे ही रहता है। Also me have so good morning guys, so आज है नेक्स्ट डे। कल जो है ना हम थीसिस के प्रेजेंटेशन के बाद ना बाहर चले गए थे कुछ खाने पीने के लिए, शॉपिंग करने के लिए, और हवा इतनी तेज थी ना कि वीडियो नहीं बनाएगी, दिल नहीं किया वीडियो बनाने का, एकदम अंधेरा हो गया, एकदम बादल से आ गए। सो अभी मैं जा रहा हूँ सुंदर फ्योर्डे के लिए। आपको याद होगा जब लास्ट टाइम मागदेबुर्ग आया था तो मैं अपने बायोमेट्रिक के लिए आया था, फिंगरप्रिंट्स पिक्चर सब निकलवाने के लिए, तो उसके 2 हफ्ते बाद मुझे घर में लेटर आ गया था कि आप आज के दिन आके अपना वर्क वीज़ा लेके चले जाओ, और ईमेल भी आ जाती है आपको, सब बस मैं वो क्लिक करने जा रहा हूँ, फिर आपको बाद में आके अपडेट देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना रेजिडेंस कार्ड और वर्क परमिट जो है वो कलेक्ट कर लिया है, और वो सिर्फ 4 चीज़ें देखते हैं। जब आपने कलेक्ट करने आना होता है ना तो आपको अपना पासपोर्ट लेके आना पड़ता है, आपको अपना पुराना रेजिडेंस कार्ड लेके आना पड़ता है, पुराना वर्क परमिट लेके आना होता है, और जब आपकी बायोमेट्रिक होती है ना तो वो आपको फिक्शन बिशानी मूव दे देते हैं, मतलब टेम्प्रेरी रेजिडेंस होती है वो आपकी, कि आप कोई आपको मांगे कोई आपसे कार्ड रेजिडेंस कार्ड तो आप वो दिखा सकते हो फिक्शन बिशानी मूव। तो ये 4 चीज़ें होती हैं, ये आप उनको दिखाते हो, पासपोर्ट वो आपको वापस कर देते हैं, बाकी 3 पुरानी चीज़ें रख लेते हैं अपने पास, और आपको नया कार्ड और नया वर्क परमिट दे देते हैं। तो ये सारा सीन होता है, पर अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है कोई मसला नहीं, आराम से मिल गया। तो यहाँ पे ये चलता ही रहता है, किसी को 6 महीने की एक्सटेंशन मिलती है, किसी को साल की मिलती है, किसी को 1.5 साल की मिलती है, तो ये टोटली आपकी लक पे डिपेंड करता है और सामने वाले बंदे पे भी डिपेंड करता है कि उसका दिन कैसा चल रहा है आज का। सो गाइज अब हम जा रहे हैं मस्जिद जुम्मे की नमाज अदा करने के लिए, और सुस्ती की इंतहा देखें कि सिर्फ 2 स्टॉप्स दूर है मस्जिद, पर फिर भी हम ट्राम पे जा रहे हैं, सीनियर सिटीजन, और हम टैंक भी बहुत पाबंद है ना इसीलिए। सो गाइज फाइनली हमने जुम्मे की नमाज अदा कर ली है, और यहाँ पे क्या होता है ना कि असर की नमाज भी साथ ही हो जाती है, क्योंकि टाइम इतना पीछे आ गया सर्दियों में आ जाता है कि नमाजों में बहुत कम गैप रह जाता है। लेकिन हाँ एक और फैक्ट ये भी है कि यहाँ पे जुम्मे की दो जमातें होती हैं, एक अरेबिक लैंग्वेज में होती है फर्स्ट वन, और सेकेंड वन जो होती है वो जर्मन लैंग्वेज में होती है। सो हम आए हुए हैं वूलवर्थ, तो देखें यहाँ पे आपको तकिए वगैरह बेडिंग का सारा सामान मिल जाएगा, ये ब्लैंकेट्स हैं, और ये देखें फुल ये पूरा सेट भी है मिल रहा है आपको यहाँ पे हॉलीडे होम, और इसे देखें प्राइस क्या 30 यूरो, डिपेंड करते 20 यूरो का भी मिल जाता है, पर 30 यूरो भी है। अब जिस तरह ये डिफरेंस ये ज़्यादा महंगे 50 यूरो का ब्लैंकेट है सिर्फ, ये बेडशीट्स आ गई, टॉवल्स वही है, और देखें ये जूतियों का सेक्शन है, अम्ब्रेला मिल जाएगी आपको, बैग्स, और एक और मैं चीज़ देख रही थी यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ जो बैग्स ट्रैवलिंग बैग्स होते हैं लगेज के लिए, देखें यहाँ से भी आप ले सकते हैं अगर आपको चाहिए, देखें 60 यूरो का ये मिल रहा है ये वाला बैग,
नॉर्मल साइज मीडियम साइज है ये, लेकिन और ये सारे पैक्स। तो ये देखें जैकेट्स भी यहाँ पे मिल रही हैं अब 13 यूरो का, मतलब ये नहीं कि 13 यूरो की मिल रही है, फ्रॉम 13 यूरो 13 यूरो से शुरू हो रही है प्राइसेस। और ये देखें कितने किस्म की हैं, ये भी हैं शर्ट्स, ये काफ़ी मोती शर्ट्स हैं, ये देखने में लग नहीं रही लेकिन परेशान क्या रही है, ये ले रही है कितने का 13 यूरो चलो ओके। देखें ये देखें ये 10 यूरो के हैं, देखें स्वेट शर्ट्स टाइप लुया नाम अच्छा डिज़ाइन है, वूलवर्थ में आपको काफ़ी वैरायटी मिल जाएगी वैसे। तो अभी जो है हम जा रहे हैं वापस जहाँ पर हम पहले 2 दिन रहे थे वहाँ वापस जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे पॉसिबिलिटी बन गई है। अरस्तान तो जब से यहाँ पे आए ना तो कभी कहीं जा रहे हैं कभी कहीं जा रहे हैं, इसको एक दफ़ा एक कोई ना मिला मोहम्मद ने अपार्टमेंट बुक करवाया था पर वो धोखा हो गया हमारे से स्कैम, वो मुझे पहले दिन से पता था धोखा है वो, लेकिन मेरे किसी ने नहीं सुनी। सो गाइस अब मैं आपको दिखाता हूँ अपने दोस्त का अपार्टमेंट जहाँ पे हम रह रहे थे, और ये 3 रूम्स अपार्टमेंट है। सो ये है मेन डोर और यहाँ पे देखिए क्लीनिंग का लिखा हुआ है किसने कब सफाई करी, क्योंकि 3 लोग रहते हैं। और ये एंट्रेंस के साथ ही बिल्कुल वॉशरूम है, ठीक है ये मैं ही दिखाऊंगा आपको। और देखिए ये है कॉरिडोर, साइकिल भी आप खड़ी कर सकते हैं क्योंकि बाहर अगर साइकिल करो तो भाई चोरियों को भी बड़ा खतरा है, ये ज़रा एरिया ऐसा है। और देखें साथ ही किचन, फ्रिज भी है, वॉशिंग मशीन भी लगी हुई है, और देखें ये ओवन वगैरह सब कुछ ऐसे है, ठीक है। और ये कॉरिडोर है, फिर शूज़ के लिए रिगाल, एक कमरा ये रहा और ये रहा मेरे दोस्त का कमरा, इसको मैं खोलता हूँ ऐसे। और ये देखें ये देखें ऐसे, अभी हमने बिस्तर उठाए हुए तो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन देखिए इस तरह कमरा मतलब सब कुछ है, नहीं टीवी वगैरह रखा हुआ है इधर, और बालकनी भी है मज़े के बाद, काफ़ी ये बड़ा कमरा है देखें ये वाला। और मोहम्मद इसका रेंट कितना है इस अपार्टमेंट का? 281 इस रूम का ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे इसमें बालकनी भी और कमरा भी थोड़ा बड़ा है। तो गाइस ये देखें अपार्टमेंट चेंज हो रहा है एक ही शहर में 5 दिन के लिए आए हैं और रोज़ ना चेंज कर रहे हैं, कभी किधर से किधर कभी किधर से किधर। ओह माय गॉड वो देखें अरस्तान ये क्या साइड पे तेरे बैग के साइड पे, ये उस तरफ ये देखें मम्मा जी क्या है, ओह माय गॉड। गुड मॉर्निंग गाइस, नेक्स्ट डे की सुबह हो चुकी है और शाम को सुबह चैन नहीं आया, इसने कहा मैंने ड्रोन शॉट्स लेने हैं, ड्रोन उड़ाना है, तो हमने कहा चलो अब ड्रोन उड़ाई देने चले ही जाते हैं। हालांकि सर्दी बहुत है लेकिन फिर भी मोहम्मद को देखें आप, मोहम्मद की देखें हालत क्या हुई कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। और गाइस ये सारे जो है ना बुनाइम्स हैं स्टूडेंट अपार्टमेंट्स यूनिवर्सिटी की तरफ से जो होते हैं, देखें कितने सारे, ये एक बिल्डिंग है पूरी, फिर एक बिल्डिंग ये है और ये भी एक बिल्डिंग की बैक साइड है, वो वाला जो ग्रे वाला ना वो जिम वाला, वो स्पोर्ट्स के लिए बिल्डिंग है। और ये देखें सारी अभी और भी इस तरह की 10 बिल्डिंग्स हैं, ये तो 3 नज़र आ रही हैं आपको। पर मसला ये है कि हर साल इतने बच्चे आते हैं ना कि फिर भी इनमें जगह नहीं मिलती, मतलब आपको रिजर्वेशन करवानी पड़ती हैं, आपको हर महीने ना लिंक आता है कि इस पर क्लिक करो अगर आपको अभी भी रूम चाहिए, अगर आप लिंक पे क्लिक करते रहोगे तो आप वेटिंग लिस्ट में रहोगे, अगर आपने जिस महीने आपने लिंक पे क्लिक नहीं किया तो आप उस लिस्ट से आउट हो जाओगे। तो आपको अगर बुनाई में घर चाहिए अपार्टमेंट चाहिए ना, जो भी 1 रूम 2 रूम वो आपकी लग पे कौन सा आपको मिलता है, पर आपको फिर उस लिंक पे क्लिक करते रहना पड़ेगा। ये देखें गाइस ज़रा गौर से देखें आपको नज़र आ रहा होगा ये स्नोफॉल हो रही है, चेक करें ज़रा। अब देखें गाइस काफ़ी तेज़ स्नोफॉल शुरू हो चुकी है और ये अभी कुछ भी नहीं है, अभी ऐसा सा क्या हुआ करेगा, पूरी जो ज़मीन है ना वो भर जाया करेगी, वाइट हो जाया करेगी, गाड़ियों के ऊपर सारी छतें वाइट हो जाया करेंगी, काफ़ी स्नोफॉल हो जाती है, अब काफ़ी तेज़ हो गई, आई थिंक आपको कैमरे में भी नज़र आ रही है मेरे पीछे, तो उन्होंने सर्दी भरी है, हाथ मेरे ना अब लाल होना शुरू हो जाएंगे ऐसा ऐसा। सो गाइस ये है मेरी बैग पे एल्बे रिवर, मैग्डेबर्ग की फेमस प्लेसेस में से भी ये जगह आती है, और ये ना हमारा खुशी और दुखों का साथी है, मतलब जब आप खुश हों दुखी हों तो आप यहाँ पे आके वॉक कर सकते हैं, आपको होम सिकनेस हो रही है ना शुरू में तो आप यहाँ पे आके वॉक करेंगे ना फ्रेश हो जाएंगे। एल्बे रिवर जो है सिर्फ मैग्डेबर्ग में नहीं जर्मनी के काफ़ी सारे शहरों से गुजरता है, इसलिए काफ़ी फेमस प्लेसेस में से आता है। गाइस अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूँ कि मैग्डेबर्ग में ना बहुत जल्दी इंटेल कंपनी ओपन होने वाली है जो इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी है, तो फिर मैग्डेबर्ग की डिमांड बहुत बढ़ने वाली है, अपार्टमेंट्स बहुत महंगे हो जाएंगे आई थिंक, क्योंकि लोग दूर दूर से काम करने के लिए आएंगे तो रहेंगे भी यहाँ पे, तो फिर ऑब्वियसली प्राइसेस ज़्यादा हो जाएंगी, राइट अरस्तान यही होगा ना। हाँ मोहम्मद तो सोच रहे एक आध अपार्टमेंट ले लूँ फिर किराए पर दे दूंगा लंबी प्लानिंग। और नाश्ते भी देखें हम क्या खा रहे हैं, पिज्ज़ा, क्योंकि देखें पिज्ज़ा अच्छा लगता है, अभी बेक किया है, सिंपल बेक करो फ्रोजन पिज्ज़ा मिल जाता है, सिंपल बेक करो पिज्ज़ा तैयार। और मोहम्मद जो अपनी कन्वोकेशन के लिए कपड़े इस्त्री कर रहे हैं, साथ मैंने उसको बोला मेरी भी एक शर्ट इस्त्री कर दे हल्की सी शर्ट है।
और मोहम्मद कैसा फील कर रहे हो? मोहम्मद देखो तो सही, आज नजर ही नहीं मिला रहे तुम हमसे। अच्छा फील कर रहा हूँ, मुझे पता था इतनी इज्जत दी जाए। और अम्बीन कंग्रेचुलेशंस, कैसा एक्सपीरियंस रहा पूरा? 3.5 years मैंने ग्रेजुएट किया। और कौन सा कोर्स था? PSW। सो कैसा फील हो रहा है, कैसा लग रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने तो अल्लाह का बहुत शुक्र, बहुत एक्साइटेड हूं आज के लिए। ओके, घर वाले बहुत खुश होंगे ना? बहुत ज्यादा। हाँ वही ना, घर वालों की तो दुआएं होती हैं कि हाँ जल्दी से पास होके वापस आओ। तो अब आप कहाँ, नेक्स्ट क्या प्लान है ग्रेजुएशन के बाद, जॉब वगैरह क्या? मेरी फुल टाइम जॉब है, नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो रही है, 1st December से। ओके, लुक्सेमबर्ग में, दूसरा कंट्री है ना वो तो। ओके, बस यूरोप में ही आता है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंड थैंक यू सो मच। तो गाइस कन्वोकेशन हो गया है खत्म, हमें चीज़ें वगैरह मिल गई हैं और बारिश भी काफ़ी शुरू हो गई थी और देखें कपड़ों का भैया हाल हो गया है, लेकिन पिक्चर्स तो जरूरी हैं, सांगे तो पिक्चर्स लेके मैंने जाना ग्रेजुएट होने के बाद। और क्या मिला है हमें, दिखाओ मोहम्मद, दिखाओ जल्दी से इसको पकड़ो। सो ये एक दमी डिग्री मिली है हमें और ये फूल मिला है, देखें ये वाला। सो डिग्री क्या होता है, ओरिजिनल डिग्री आपको पहले ही मिल जाती है क्योंकि लोगों ने अप्लाई वगैरह करना होता है जॉब्स के लिए, तो वो जल्दी मिल जाती है। बारिश हो, तूफान आए, पर पिक्चर्स तो लेना जरूरी है। मैंने आपको बताया था स्नान, ये कब कब काम आता है ये लोगो यूनिवर्सिटी का जो है? जब पहले दिन आते हैं और लास्ट जब आपकी रजिस्ट्रेशन होती है, आप जर्मनी आते हो तब, और एक जब आप ग्रेजुएट हो जाते हो तब थीसिस के साथ। सो ये तब बड़ा काम आता है लोगो, देखें वाओ। सो और ये सामने हमारा ट्राम स्टॉप है क्योंकि हमने ट्रेन पर करनी है फौरन। हमने अपने खाने का ऑर्डर दिया है शॉर्मा ताकि रास्ते में खा सकें, बहुत भूख लग रही है, ऑलमोस्ट 2 बज गए, और फिर साथ ही हमें ट्रेन पकड़ के ना हम चले जाएंगे उस तरफ अपनी ट्रेन स्टेशन पे। सो गाइस फाइनली हम जा रहे हैं उल्म, काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट काम था मेरे मैग्नीट्यूड में जो हो गए। एक दोस्त का कन्वोकेशन था, एक दोस्त का थीसिस का डिफेंस भी था, और एक दोस्त का नहीं, एक मेरा ही जो मैंने अपना वीज़ा कलेक्ट करना था, सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह हो गए। और थैंक यू सो मच जो लोग मुझे मिले कि हम आपके ब्लॉग्स देखते हैं, थैंक यू सो मच, आपका अच्छा लगता है जब कोई आके कहता है कि यार आप अच्छा काम कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन मिलती है आपके ब्लॉग से, तो बिल्कुल खुशी होती है। तो आई होप नेक्स्ट वीडियो में आपसे बहुत जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।